जो गाना मैंने गाया है उसका नाम है किसी और नाल, और गाना इज़ अबाउट सैक्रिफाइसिंग इन लव. एक्चुअली जब दो फ्रेंड्स होते हैं और उसमें से एक को प्यार हो जाता है और दूसरे को प्यार नहीं होता, एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, और आपको जब अपने प्यार को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, सो देन एक्चुअली व्हेन फ्रेंडशिप टर्न्स इनटू वन साइडेड लव, सो दैट्स अबाउट किसी और नाल. ये गाना एक्चुअली गोल्डी सुहेल और कुणाल वर्मा ने लिखा है, और आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस इमोशन को मतलब लिखा है, क्योंकि वन साइडेड लव जो एक अलग सा दर्द है और उसको मतलब बयां करना बहुत मुश्किल होता है. मैं भी एक्चुअली गाते वक्त ये गाना जब मैं डब करी थी वाज क्राइंग, तो आई थिंक उन्होंने बहुत ही अच्छा गाना लिखा है. ये गाना हमने शूट किया है चैल में, और बहुत ही अच्छा वेदर था उधर. संदीप शर्मा जी ने डायरेक्ट किया है ये वीडियो, एंड आवेज़ और नगमा दोनों ने फीचर किया है मेरे साथ, एंड आई एम रियली हैप्पी ऑन दिस एसोसिएशन. और स्पेशली वायरल ओरिजिनल्स ने, पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ऑन ऑडियो वीडियो और लाइक ऑन एवरी थिंग. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टीम आई कैन गेट टू वर्क विद. जी एक्चुअली आवेज़ और नगमा दोनों ही मतलब बहुत ही मतलब मिलनसार और लाइक बहुत फन पीपल हैं, और उनके साथ मतलब हम पहली मीटिंग में हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे कि हम लग ही नहीं रहा था कि मतलब पहली बार मिल रहे हैं. और इसी तरह शूट मतलब मस्ती मस्ती में हमने सारा शूट ही एक्चुअली मस्ती मस्ती में किया, और मैं बहुत छेड़ती थी आवेज़ को कि तुम मुझे छोड़ कर जा रहे हो नगमा के लिए, सो इट्स लाइक दैट. बहुत ज़्यादा मज़ा आया जैसे मैंने कहा, बिकॉज़ मतलब इतना लोग इतना प्यार करते हैं और इतने डाउन टू अर्थ हैं दोनों ही, और बहुत अमेजिंग केमिस्ट्री है. मतलब हम तीनों ने जब इतना मज़ा किया शूट में, और लाइक बहुत ज़्यादा मज़ा आया, फन शूट. एक्चुअली मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो है जिसमें मैं फ़ीचर कर रही हूँ एज लाइक एक्टिंग की है मैंने जिसमें, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंजिंग जॉब था. और मैंने पूजा गुजराल हैं जो वायरल ओरिजिनल से, उनको मैंने कहा प्लीज़ मुझे वर्कशॉप दे दो आप, और क्या करना है कैसे एक्टिंग करनी है, बिकॉज आई वॉज वेरी स्कैर्ड बिकॉज इट्स लाइक फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस. और बट शी रियली मैनेज्ड अ लॉट लाइक गुड शॉट्स फ्रॉम मी, सो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और चैलेंजिंग काम था. जी एक्चुअली मैं और गोल्डी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और हम एक दिन ऐसे साथ में बैठे थे और जैम कर रहे थे. किसी और गाने के लिए मैं गई थी और किसी और नाल बन गया एक्चुअली, और ऐसे ही मस्ती मस्ती में हम बैठे हुए थे, और उन्होंने गिटार पर कुछ बजाया, और उन्होंने एक लिरिक्स लिखे जो हुक है कि दिल नू पता है तू लालियाँ यारियाँ किसी और नाल, और मुझे मतलब एकदम से लगा, मैंने कहा यार कितना बहुत अच्छा गाना बनेगा ये. तो फिर हम बैठे और उन्होंने गाना बनाया, कंपोज किया, और फिर कुणाल वर्मा ने इस पर लिरिक्स लिखे. बहुत ही अमेजिंग बेहतरीन काम किया. सो इस तरह ये गाना बना, और मैं तो स्टार्टिंग प्रोसेस से ही इन्वॉल्व थी गाने में, और मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है ये. और तो आई थिंक इट्स द वन ऑफ द रियली फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ माइंड, मैंने जितने भी अब तक गाए हैं. जी तेरे उत्ते किन्ना मरदा, तेरी ही गल्ला करदा, तेनू तरस क्यों आवे ना, लख कोशिशाएं करदा, नाम तेरा क्यों नहीं मिटदा, कोई इलाज बतावे ना, वे दिल नू पता है तू ला ली है यारियां वे किसी और ना. एक्चुअली बहुत सारे गाने आ रहे हैं अभी, जो फिल्म सॉन्ग्स हैं डेफिनेटली आई कांट टेल, और जो सिंगल्स हैं मैं अभी चाहती हूँ पहले आप इस सिंगल को सुनिए, इसे प्यार दीजिए, और बाकी के जो भी प्लान्स हैं मैं जल्दी ही लेकर आप सबके सामने आऊँगी. फ्यूचर लाइक इन द सेंस म्यूजिक डायरेक्टर एंड ऑल, आई रियली लाइक वर्किंग विद अमित त्रिवेदी, एंड उनके साथ मैंने जानेसार गाया है, और आई थिंक वो गाना बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी आया है. और
उनके साथ मैं काम दोबारा करना चाहूँगी डेफिनेटली. तानिश बागची लाइक इज़ अ डियर फ्रेंड एंड बहुत हम बहुत सारे गाने लेके आए हैं उनके साथ. और ए आर रहमान साहब रहते हैं अभी जिनके साथ मैंने काम अब तक नहीं किया है, तो डेफिनेटली ही इज़ ऑन द लिस्ट. एक्चुअली आई एम नॉट अ लाइक बिग फैन ऑफ रिक्रिएशन, मुझे ओरिजिनल म्यूजिक ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आई थिंक आई वुड प्रेफर ओरिजिनल सॉन्ग्स. सबसे पहले तो मैं कहूँगी थैंक यू सो मच मेरे सभी गानों को इतना प्यार देने के लिए, और मैं यही आशा करती हूँ कि आप इसी तरह मेरे सब गाने सुनते रहेंगे आगे, उन्हें पसंद करते रहेंगे और इसी तरह मुझे प्यार देते रहेंगे. थैंक यू सो मच. किसी और नाल, तो किसी और नाल इज़ रिलीजिंग ऑन 26th ऑफ सितंबर विच इज़ माई बर्थडे, और ये एक्चुअली गिफ्ट दिया है मुझे यूनिवर्सल म्यूजिक ने एज अ बर्थडे प्रेजेंट, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस. अच्छा ओके, यूनिवर्सल ओके, हाँ. सो किसी और नाल इज़ रिलीजिंग ऑन 26th ऑफ सितंबर विच इज़ माई बर्थडे, और आई थिंक ये आई थिंक डेफिनेटली ये गिफ्ट है वायरल ओरिजिनल्स की तरफ से मेरे बर्थडे के लिए, सो थैंक यू सो मच.